ट्रू और अपेरेंट एंगल ऑफ डिप के अंदर इमेजिन करो कि ये आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप है। ट्रू का मतलब असली, जब आपने मैग्नेट को लटकाया तो मैग्नेट ऐसे लटकी और ये आपने मीडियम बना दिया, इसका नाम है मैग्नेट, ट्रू एंगल ऑफ, ट्रू मीडियम, ट्रू मैग्नेटिक मीडियम। अब कोई स्टूडेंट आया, वो कहता जी एक काम करो, एक इमेजिनरी मीडियम लो। मैंने कहा इमेजिनरी क्या, कहता खुद अपने मन से ये ले लो। तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। कहता ये और ये के बीच में एंगल अल्फा है, दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। अब ये असली है या नकली है, ये ट्रू है और ये अपेरेंट है। वो कहते इमेजिन करो कि अगर नीडल यहाँ ना लटकी होती, नीडल यहाँ लटकी होती तो इसके अंदर नीडल ने एंगल ऑफ डिप क्या बनाया होता, ये बताओ, यानी कि डेल्टा डैश बताओ। वो कहते ठीक है, इसके अंदर तो मुझे मालूम है कि ये डेल्टा एंगल एंगल ऑफ डिप है और मुझे फॉर्मूला याद है, टेन डेल्टा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एच, वी डिवाइडेड बाई एच, ये तो आपने लिखवाया था मुझे अभी। तो ट्रू एंगल ऑफ डिप तो डेल्टा है, तो टेन ऑफ डेल्टा वी बाई एच है, सही है। पर अगर नीडल इसमें लटकी होती है अपरेंट में तो उसका एंगल ऑफ डिप क्या होता है बताओ। तो मैंने ये कहा कि ठीक है, जब तू इन दोनों को ऐसे लेता है तो एक चीज़ दोनों में कॉमन रहेगी और वो क्या है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू पीछे से क्या रहेगी, दोनों में सेम। तो एक काम करी, जो नया अपरेंट मैग्नेटिक मीडियन है इसको अलग से डायग्राम बना, तो देख वर्टिकल सेम रहेगा। हाँ मैं मानता हूँ हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि असली एंगल मैग्नेटिक मीडियन में अगर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एच है तो इसमें पता है क्या होगा, इसका कॉम्पोनेंट लो एच कॉस एल्फा, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट चेंज हो जाएगा, एच की जगह एच कॉस एल्फा हो जाएगा, वर्टिकल सेम रहेगा। जब ये चेंज हो गया तो बी डैश भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज होगा, तो नया एंगल ऑफ डिप क्या होगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट बाय एच नी एच कॉस एल्फा, देख रहे हो वी अपॉन एच कॉस एल्फा हो जाएगा। लेकिन V बाई एच क्या था, ऊपर से ट्रू एंगल ऑफ डिप टेन डेल्टा, फॉर्मूला नोट करो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, वो कहेगा एक ट्रू एंगल ऑफ डिप है एक अपरेंट एंगल ऑफ डिप है, तो टेन ऑफ अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू ट्रू एंगल ऑफ डिप का टेन डिवाइडेड बाई कॉस एल्फा, वेर एल्फा इज एंगल बिटवीन टू मीडियंस, ये शॉर्टकट लगता है, तो ये नोट करना है।